शालोम एवरीवन, यू आर वाचिंग फेथ टीवी एंड दिस इज योर होस्ट समंथा नेल्सन। प्रोग्राम मसीह से मुलाकात में आप सभी को वेलकम कहती हूँ। अजीजों, इस नए साल में हमारे साथ मसीह से आज की मुलाकात में जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पास्टर करीमुल्ला, उनके सबब से आज हम जानेंगे कि खुदावन ने उनको किस पैगाम के साथ हमारे पास भेजा है। मैं सबसे पहले अपने गेस्ट से दरख्वास्त करूंगी कि वो एक छोटी सी दुआ के साथ, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और खिदमत में हैं, उन सभी के लिए जो है वो बस सब दुआ कीजिए। जी, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह, हम तेरी हजूरी में शुक्र गुजारी करते हैं यीशु मसीह नासी के नाम में। खुदावन, आज सुबह जितने लोग फेथ टीवी को जो है, फेथ चैनल को जो है खुदावन देख रहे हैं, यीशु मसीह नासी के नाम से आज का कलाम उन्हें ब्लेस करे, बाई से बरकत हो, उनकी रूहों को तैयार करे यीशु मसीह की आमद के लिए और आसमान पर जाने के लिए। और खुदावन, ये कलाम जो है जिंदगियों को बाबरकत बनाए और तेरा कलाम जो है खुदा जिंदगियों को तैयार करे ताकि हर कौम, कबीले, उम्र से एक बड़ी भीड़ जो है वो आसमान पर जाने के लिए एक लश्कर के तौर पर तैयार हो। आज यीशु के नाम में ये कलाम जिंदगियों की रूहों के अंदर डिपॉजिट हो जाए यीशु मसीहा के नाम में, आमीन। तो इसी तो रूह की कुवत के बारे में आज हम जानेंगे अपने गेस्ट से। तो जी बस जी, आज का उन्वान, आज का टाइटल, और यीशु मसीह का नाम जो सब नामों से आला नाम है, पाक नाम है, कदूस नाम है, गयूर नाम है, उसके मोहब्बत भरे नाम में आज आप सबको मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, हिजकियल 37वां बाब और उसकी पहली आयत में, खुदावन का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आस पास चौगिर्द फेराया और देख, वो वादी के मैदान में बकसरस और नहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ए आदम जात, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ए खुदावन, खुदा तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ए सूखी हड्डियों, खुदावन का कलाम सुनो। खुदावन खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी और जानोगी कि मैं खुदावन हूं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर बरपा हुआ और देख, जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई पर उनमें दम ना था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर, ए आदमजाद, और हवा से कह, खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि ए दम चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाए। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, एक नहायत बड़ा लश्कर। तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल हैं,
देख ये कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गईं और हमारी उम्मीद जाती रही। कलामे हक के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। और आज हम इस बात को सीखेंगे कि 2021 प्रिपरेशन का साल है, 2021 तैयारी का साल है, 2021 के अंदर जो है खुदावन जो है लोगों को उसने ये साल इसलिए बख्शा है ताकि प्रिपेयर हो, हम तैयार हो और जो है ईमानदार गैर ईमानदार इसमें हर तरह की कैटेगरी के लोग आते हैं, उन्हें तैयार होने की जरूरत है क्योंकि हमें चार चीजों के अंदर तैयार होना है। पहले नंबर पर हमें जो है अपने दिलों को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है खुदा की बादशाहत के लिए। दूसरे नंबर पर हमें प्रिपेयर करना है ताकि जो है खुशखबरी सुनाने के लिए। और तीसरे नंबर पर हमें तैयार होना है, प्रिपेयर होना है, वो ये है कि हमें हाउस ऑफ गॉड खुदा के घर की तरफ जाने के लिए तैयार होना है। और चौथे नंबर पर हमें लोगों को जो है खुशखबरी सुनाने के लिए तैयार होना है ताकि हम जो है जहां भी जाए खुदावन की खुशखबरी उम्मतों कौमों कबीलों के दरमियान खुदावन की मुनादी कर सकें। और जो है ये तैयारी का साल है, प्रिपरेशन का साल है, फतह का साल है। खुदावन ने हमें 2021 इसलिए बख्शा है ताकि जो है हम लोगों को रूहानी तौर पर जिंदा कर सके, क्योंकि आज का जो उनवान है वो ये है कि रूह की कुव्वत। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावन का हाथ मुझ पर था, उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया। और जब खुदा का हाथ आप पर होता है और जिस शख्स पर खुदावन का हाथ होता है और उसकी रूह जो है खुदावन रूह को रूह से कलाम करता है और उसकी रूह को सबसे पहले जिंदा करता है। और दाऊद नबी ने उसके हक में यूं लिखा है और यूं फरमाया है, दाऊद यूं लिखते हुए फरमाते हैं ज़बूर के अंदर, कहता है तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। इसलिए अगर कोई चीज हमें जिंदा कर सकती है तो वो खुदा का कलाम है। हमें रूहानी तौर पर हमारी रूहों को आज जिंदा होने के लिए खुदा के कलाम से फिलअप होना जरूरी है, खुदा के कलाम से भरना जरूरी है, ताकि जो है अगर खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में नहीं है तब हम मुर्दा हैं और जो है बगैर कलाम के जिंदगियां जिंदा नहीं हो सकती। लिखा है उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया। खुदावन जो है ईमानदारों को लेता है जो शख्स रूह बन जाते हैं, यानी कि बाइबल यूं फरमाती है कि खुदा रूह है और जब हम उसके परस्तार जब हम रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं और जब हम रूह बन जाते हैं तब खुदावन जो है हमें गैर मक्तूलों के दरमियान उतारता है और एक ऐसी वादी में ले जाता है जहां पर हड्डियां जो है मौजूद होती हैं। ये हड्डियां आज कौन है? ये हड्डियां वो लोग हैं जो रूहानी तौर पर जो है डेड हैं, जो मुर्दा हैं। खुदावन उनके दरमियान हमें भेजता है और यो वो यूं फरमाता है और मुझे उनके आस पास चौगिर्द फेराया। तब जो है खुदा भेजता है कि जाओ उन हड्डियों के दरमियान जाओ और उनके चौगिर्द फिरो और उनका जायजा लो और उनको देखो और देख वो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सुखी थी। और आज जो है बगैर कलाम के हमारी बॉडी हमारी रूह जो है वो खुशहाली के अंदर है, वो जिस्म जो है वो मुर्दगी के अंदर चला गया है, जिस्म के अंदर जान नहीं है, रूहों के अंदर जान नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम को हमने रद्द किया, खुदा के कलाम की बातों को हमने तरक कर दिया। और खुदा का कलाम जो जिंदगी है यूं लिखा है, मेरा कलाम जो है
बाइबल यूं फरमाती है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। अगर कलाम खुदा के साथ है तो हमारी जिंदगियों के अंदर ये कलाम डिपॉजिट हो जाना चाहिए, रूहों के अंदर ये उतर जाना चाहिए, क्योंकि लिखा है और वो देख वो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सुखी थी। आज जिंदगियां खुदा के कलाम को रद्द करने की वजह से सुखी पड़ी हैं। ये एक ऐसी वादी है जहां पर मौत वाकया हो जाती है। जब रूह को जो है जिंदा रहने के लिए खुदा के कलाम की जरूरत है, जैसे हम बदन को जिंदा रखने के लिए खुराक इस्तेमाल करते हैं और बदन उस वक्त ताजा रहता है, इसी तरह रूहानी तौर पर जिंदा रहने के लिए हमें खुदा के कलाम से फिलअप होना जरूरी है, हमें खुदा के कलाम से भरना जरूरी है ताकि हमारी रूहें रूहानी तौर पर जिंदा रहे। उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? हिजकिय्याह से खुदा कलाम करते हुए फरमा रहा है और आज मैं आप सब से कलाम करते हुए ये बात फरमाता हूं कि हमें रूहानी तौर पर जिंदा होने के लिए जिंदा होने की जरूरत है, ताकि जब तक हम रूहानी तौर पर जिंदा नहीं हो जाएंगे, हम प्रिपेयर नहीं हो सकेंगे, हम आसमान की बादशाह के लिए तैयारी नहीं कर सकेंगे। हमें हाउस ऑफ गॉड की तरफ तैयारी करना है, खुदा के घर के लिए जहां पर हमने जाना है उसकी तैयारी करना है। यूहन्ना की किताब के अंदर यूं लिखा है, यीशु अलमसीह ने फरमाया, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। उसने तैयार किए हैं वो घर जहां पर हमने जाना है, जहां पर हमें रहना है और वहां पर हमें तैयारी करना है। ईमानदारों को आपको तैयार होने की जरूरत है, गैर ईमानदारों से भी आज ये कलम है ताकि प्रिपेयर हो, तैयार हो। 2021 प्रिपरेशन का साल है, 2021 खुदावन के घर की तैयारी का साल है, 2021 तैयारी की साल है, 2021 जो है लोगों को बताने का साल है खुदा के कलाम के बारे में। और इन से कह, ए सुखी हड्डियों, खुदा का कलाम सुनो। ये सुखी हड्डियों को खुदावन के कलाम सुनने की जरूरत है। आज हम इसलिए मुसीबत ज्यादा है क्योंकि हमने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया है। आज खुदावन हमसे नाराज है इसलिए क्योंकि खुदा के कलाम को हमने तरक कर दिया, जिंदगी को हमने तरक कर दिया और आज हम मुसीबतों के जो मुसीबतें हम पर आ पड़ी हैं और जो गुर्बत हमको घेरे हुए है और बीमारियां हमें घेरे हुए हैं, इसलिए क्योंकि हमने जिंदगी को अंदर बहने नहीं दिया और जिंदगी खुदा के कलाम में पिन्हा है, जहां पर दाऊद यूं फरमाते हैं, तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। अगर आपको कोई चीज जिंदा कर सकती है, सुखी हड्डियों, अगर आपको कोई चीज जिंदा कर सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है जो जिंदा कर सकता है, जो आपको तवानाई दे सकता है, जो आपकी मुर्दगी को जो है जिंदगी की हालत में लेकर आ सकता है, जो आपको ताजा दम कर सकता है, वो खुदा का कलाम है। और यूं लिखा है, खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है, मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी। So, जब खुदा ने आदम को बनाया, आदम को लिया, तो उसने जो दो चीजों से जो है आदम को तखलीक किया है, क्रिएट किया है, वो पहली बात ये है कि उसने जमीन की मट्टी ली और उसे सींचा, तराशा, निखारा, संवारा, सजाया। और वो आदम उस वक्त जब बना दिया गया तो वो मट्टी का पुतला था और दूसरी चीज वो आसमानी है, वो खुदा का रूह है। और जब कलाम में लिखा है, जब उसने आदम को तैयार कर लिया,
दिया और उसे सजा दिया, उसे संवार दिया, मिट्टी का पुतला बना दिया, तो लिखा है उसने उसमें अपना जिंदगी का दम फूंका। और आदम के लिखा है नथनों के अंदर जिंदगी का दम फूंका और आदम जीती जान हुआ। बगैर रुके जो है आम में जिंदगी नहीं, और बगैर रुके ईमानदार जो है वो जिंदगी को रिसीव नहीं कर सकता। बगैर रुके गैर ईमानदार जो है वो जिंदगी को नहीं ले सकता, क्योंकि अगर कोई चीज उन तो कौमों कबीलों और जो है इन सूखी हड्डियों को जिंदा कर सकती है वो खुदा का रूह है, वो खुदा का कलाम है, वो खुदा की बातें हैं जो लासानी लाफानी मुतगैर मुतबदिल और अलारेब हैं। और तुम पर नशे फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी। बाइबल मुकद्दस हिस्कियल की किताब में खुदा यूं फरमाता है कि जब तक उसने पहले आदम को जब बनाया तो उसने जो है उसके उसे गोश्त उसके बॉडी पर उसने मिट्टी के पुतले पर गोश्त की कोशिश की नबूवत की कहा गया। और जब तक जो है चीजें उस वक्त मार्ज़े वजूद में आती हैं जब तक कलाम को बोला नहीं जाएगा, पहुंचाया नहीं जाएगा, सुनाया नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा जिंदगियों को, ये महज एक बुक है। और खुदा उनका कलाम जो लिखा गया है रिटन लिखा गया है ये लगोस है, लेकिन जब आप इसे प्रीच करेंगे लोगों को बताएंगे सुनाएंगे ये रेमा बन जाएगा। और जब रेमा बन जाएगा तब जिंदगियों के अंदर जो भी सुनेंगे मुर्दा हड्डियों के अंदर मुर्दा जिंदगियों के अंदर है जिंदगी आ जाएगी, मुर्दा हड्डियों में जान आ जाएगी, उन पे गोश्त पोश नशे और जो है उन पर चमड़े की कोशिश होना शुरू कर देगी, क्योंकि खुदा का कलाम क्रिएट करता है, खुदा का कलाम तखलीक करता है, खुदा तखलीकात का खुदा है। यूं बाइबल मुकद्दस में पदाइश की किताब में लिखा है, पदाइश की किताब चैप्टर 1 और जो है उसमें यूं बाइबल मुकद्दस में लिखा है और लिखा है खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा। जब तक उसने कहा है जो कुछ उसने कहा है और कहने के वसीला से बताने के वसीला से चीजें मार्ज़े वजूद में आना शुरू हुई और लिखा है कि रोशनी हो गई, क्योंकि कलाम जब सुनाया जाएगा वो असर रखेगा और जो कुछ आप बोलेंगे वो होगा। और आज सुन आज का जो उन्वान है वो ये कर रुकी कुवत, जब तक आप रूहानी तौर पर जिंदा नहीं हो जाएंगे इन हड्डियों के अंदर इन सूखी हड्डियों में खुदा के कलाम के बगैर जान नहीं आ सकती, क्योंकि हमें इन हड्डियों को जिंदा करने की जरूरत है, हमें इन हड्डियों को तैयार करने की जरूरत है ताकि इन पर गोश्त पोस्ट और चमड़े की कोशिश हो और इन पर जो है नशे चढ़ाएं और इन पर जो है चमड़ा चढ़े और इन पर जो है जिंदगी का दम फूंके। और जिंदगी का दम खुदा का कलाम है, जब तक आप जिंदगी बांटेंगे नहीं। ये साल 2021 प्रिपरेशन का साल है, जाने का साल है, इवेंजलिज्म का साल है, उन सुखी वादियों में जाएं जहां पर खुदा का कलाम अभी तक नहीं पहुंचा। और वो लोग वो जिंदगियां वो कौमें वो उमते वो कबीले वो जमीन के इंतहा के रहने वाले लोग अभी तक डेड हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी को लिए नहीं, क्योंकि जिंदगी खुदा के कलाम में पिन्हा है, जिंदगी की बातें खुदा के कलाम में लिखी हैं। रसूलों ने फरमाया हम जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि जिंदगी की बातें तो तेरे से मिलती हैं और जिंदगी की बातें यीशु अल मसीह में पिन्हा है। और यीशु के बगैर जिंदगी नहीं, उसने कलामे हक में यूं फरमाया राह हक और जिंदगी मैं हूं, कोई
मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। अगर हमें बाप के पास जाना है, अगर हमें आसमान में जाना है जो मुकद्दसीन का घर और वतन है, तो फिर हमें रूहानी तौर पर जिंदा रहने की जरूरत है, रूह में जिंदा रहने की जरूरत है, रूह को जिंदा रखने की जरूरत है कि मैं खुदावंद हूं, बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबुवत की। और जब मैं नबुवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गई। जब आप लोगों के दरमियान एवेंजेलिज्म के लिए जाएंगे, मुनादी के लिए जाएंगे, तब मुनादी के दरमियान आपको जो है मिरेकल्स ज़हूर पज़ीर होंगे। वो मिरेकल इस बात का साइन होंगे, इस बात का निशान होंगे, अजायबात निशानात आपकी खिदमत को जो है मुअस्सर साबित होने में आपके मददगार होंगे। आपको ये निशान खुदा की तरफ से मिलेगा कि आप जो है इन हड्डियों पर नबूवत कर रहे हैं, प्रॉफसी कर रहे हैं। और जो है वो नबूवत प्रॉफसी कलाम को सुनाने के जरिए से है कि ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं खुदा के कलाम सुनने के नतीजा में। और जब वो लोग खुदा का कलाम सुनेंगे और जितने सुनेंगे और सुनकर ईमान लाएंगे, तब्दील होंगे, और वहां पर उस सूखी वादी के दरमियान, उन हड्डियों के दरमियान जो मुर्दा हालत में थी लेकिन कलाम सुनाने के नतीजा में उनमें जिंदगी आ गई, उनमें जान आ जाएगी, और वो एक लश्कर के तौर पर खड़े हो जाएंगे खुदा की तमजीद के लिए। आए मैं और आप मिलकर जो है इस अज़्म को लें 2021 के अंदर कि हमें एक बड़ी भीड़, एक बड़े लश्कर के तौर पर जिंदगियों को तैयार करना है, उम्मतों को, कौमों को, कबीलों को बरकत के लिए तैयार करना है, ताकि जो है 2021 के अंदर प्रिपेयर करे, तैयार करे आसमान की बादशाह के अंदर उन्हें ले जाने के लिए तैयार करें, ताकि जो है जब वो तैयार हो जाएंगी तो एक शोर इलाकों में, कौमों में, कबीलों में, उम्मतों में होगा, जो शोर है यूहन्ना आरिफ ने मुकाशफा में देखा और लिखते हुए बयान करते हुए यूं फरमाते हैं। यूहन्ना आरिफ अपने मुकाशफा में यूं भेद खोलते हैं, कहते हैं मैं हर कौम कबीले उम्मत से एक बड़ी फौज है वो आसमान के अंदर दाखिल होते हुए देख रहा हूं, और वो शोर और वो सलसला एक लर्जा हो रहा है। आप उम्मतों, कौमों, कबीलों के दरमियान इस जमीन पर भी खुदा की बादशाह का शोर बरपा हो रहा है। वो जिंदगियों को सुनाए, जिंदगियों को बताएं, और वो शोर खुदा की एवेंजेलिज्म का है, बादशाह को तैयार करने का है, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आ रहा है। He is coming soon. वो जल्द आ रहा है। हर एक हड्डी हड्डी से और मिल गई, हर एक हड्डी हड्डी से मिल गई। जब तक हम आपस में ज्वाइंट नहीं होंगे तब जो है एक बदन के तौर पर जो है हम वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखे हाथ का फंक्शन अलग है और सुनने का फंक्शन अलग है, देखने का फंक्शन अलग है और बोलने का फंक्शन अलग है। गोया ये आजाद तो अलग अलग है लेकिन हम मसीह में, कलीसिया जो है मसीह का बदन है और हम सब एक है। आज कलीसिया को खादमों से इल्तमास है, ईमानदारों से इल्तमास है, गैर ईमानदारों से इल्तमास है कि वो सब जो है एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो, मुनादी के लिए एक जगह पर जमा होना सीखे। जब तक जमा नहीं होंगे हम यूनिटी के अंदर नहीं आएंगे, हम पावर के अंदर नहीं आएंगे, हमें जिंदगी नहीं आएगी और हम जिंदगियों को जिंदा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, यूनिटी हमारी कुवत है। और इसलिए खुदा के कलाम को सुनने के लिए, सुनाने के लिए एक दूसरे के साथ मिलने से बाज ना आए। खुदावन अपने कलाम के वसीला से आज आप सबों को
बरकत बख्शे, यीशु के नाम में आमीन। आमीन। जी अजीजो, आज के इस बाबरकत कलाम से जो हम सीख रहे थे कि हमने अपने दिलों को किस तौर पर तैयार करना है और रूह की कुव्वत में, रूह के कामों में किस जोश से हमें चलने की जरूरत है, क्योंकि कलाम हक में भी यूँ लिखा है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा और उनसे ये बातें कही और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। आमीन। अजीजो, आज के इस सारे मैसेज से जो कलाम के अच्छे गवाह ने हमारे साथ शेयर किए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन अजीज़ों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अंजील की मुनादी को अगर कर रहे हैं या करते हुए उन्होंने छोड़ दिया तो उस बेदिली से वो हट जाएं और खुदावन की तरफ अपनी निगाह करें और अपने आप को तैयार करें, अपने दिलों को तैयार करें, ना सिर्फ वो रूह की आग उनके अंदर जले बल्कि बदेरों को रोशन करने का सबब बने, क्योंकि आप और मैं किसकी गवाही देते हैं? नूर की गवाही देते हैं, और वो नूर तमाम दुनिया के लिए आया ताकि सब निजात पाए। अजीजो, अगर हम चाहते हैं कि मसीह यीशु की आमद जल्द वकूम में आए तो लिखा है कि जब तक तमाम दुनिया में अंजील की खुशखबरी की मुनादी ना हो जाएगी, खात्मा नहीं होगा। तो अजीजो, जब अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आए तो हमें मजदूर भी ज़्यादा पैदा करने की ज़रूरत है। ज़्यादा मजदूर होंगे तो फसल की कटाई जल्द होगी। अजीजो, ज़्यादा से ज़्यादा इस कलाम को शेयर कीजिए। हमारे आने वाले और मैसेजेस को भी आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल फेथ टीवी सिसल बरकत पर। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, और अगर इस वीडियो के ताल्लुक से आपके कोई और मजीद सवाल आते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए खुदाम के साथ, नए मैसेज के साथ, और इसी रिवाइवल में और आगे बढ़ते चले जाएँ। मसीह यीशु में आप सभी की सलामती हो और देखते रहिए फेथ टीवी प्रोग्राम मसीह से मुलाकात। God bless you all.